सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को राधे राधे। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दराज से कृष्ण भक्त मथुरा पहुंचे हैं। आइए जानते हैं मथुरा से हमारे संवाददाता धनी राम सागर थापा हमारे साथ मौजूद हैं। सागर, चलिए सागर थापा हमारे वहां से मौजूद हैं, उन्होंने क्या जायजा लिया है आइए आपको दिखाते हैं। इस समय हम खड़े हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर और आप देख रहे हैं यहाँ नजारा, यहाँ नजारा ही कुछ अलग है। आज भगवान अजन्मे का जन्म होने वाला है जो कि मथुरा में इस पर्व को लेकर के खुशियां मनाई जा रही है। देर शाम से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है और देर रात तक चलता रहा है। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने को अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे कितनी बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ भीड़ आई हुई है और जो लोग यहाँ आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। इसी बीच मेरे साथ में जो दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सोनिया शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। पहली बार आए हैं आप? नहीं, मैं सेकंड टाइम आई हूँ। वैसे मैं मथुरा आती रहती हूँ, जन्माष्टमी में सेकंड टाइम आई। अच्छा, आज श्री कृष्ण का जन्म होगा और इसको लेकर के पहले भी आ चुकी हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत ज्यादा खुशी है, बल्कि यहाँ से मैं बागे बिहारी जी भी लेकर जाऊंगी, ठाकुर जी लेकर जाऊंगी बागे बिहारी मंदिर से। और फास्ट भी रखा है आज मैंने इनके लिए और बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। मतलब रुका नहीं जाता। अगर लगता है ना कि हमें दर्शन करने हैं तो फिर ठाकुर जी बुला ही लेते हैं, चाहे कैसे भी बुलाए वो बुला लेते हैं। ये भक्ति थी कि उन्होंने कहा है कि भगवान बुला ही लेते हैं। और भी साथी हैं जो बहुत दूर से आए हैं और अपने आप को भागशाली समझ रहे हैं। क्या नाम है? गोस्वामी नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? जी, गोंडा जिला से आए हैं। तो अब यहाँ पहली बार आए हैं? जी, फर्स्ट टाइम आया। तो कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है यहीं पे रहे, बहुत अच्छा फील हो रहा है जिस तरीके से बताया जाए। अभी तो हम इधर आए हैं, मथुरा घूमे, द्वारकाधीश होके आए, जन्म भूमि पे जा रहा हूँ। जन्म भूमि के बाद में फिर हम वृंदावन जाएंगे और जगह घूमेंगे यहाँ पे काफी दूर तक। फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें जिस तरीके से यहाँ लगे, बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से आए? गोंडा से आए। पहली बार आए हैं आप यहाँ, कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी साथी हैं मेरे साथ में, बहुत लोग हैं जो आए हैं। ये महाराज आए हैं, आप लाइन में लगे हुए हैं काफी देर से दर्शनों के लिए। कहाँ से आए आप? हमें अयोध्या से आए। अयोध्या से आए हैं? अयोध्या छोड़कर यहाँ कृष्ण की नगरी में आए हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। किस लिए आए हैं आप? दर्शन करने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बढ़िया। दर्शन हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा तो और बढ़िया। अभी तो दर्शन जा रहे हैं, किधर से जाना पता ही नहीं है। इन्होंने बताया कि अयोध्या से कहीं दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धालु आज दर्शन के लिए आए हैं और भगवान कृष्ण के जन्म में शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आज सीएम योगी भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ आ रहे हैं, जिनके लिए सुरक्षा को लेकर के पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। मथुरा को 4 जोन 18 सेक्टरों में बांटा गया है, उसी के साथ साथ 2000 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। और श्रद्धालुओं के लिए एक गेट नंबर 1 से एंट्री बंद करके 2 नंबर गेट से की गई है, क्योंकि सीएम योगी जी आ रहे हैं और उनका यहां से ही अंदर प्रवेश किया जाएगा। वो 4 बजे भगवान कृष्ण के गर्भगृह पर जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। उसके साथ करीब लगभग आधा घंटे तक वो यहां भक्ति में संलीन रहेंगे। इसके साथ साथ ही सुरक्षा को लेकर के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा, एक तो दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु और दूसरे सीएम योगी जी। और इसी तरीका से ये पर्व आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें अपने आराध्य के दर्शन के लिए यहाँ पर गेट पर लग रही हैं। मैं प्राइम टीवी के लिए धनीराम खंडेलवाल मथुरा से। जैसा कि आपने देखा कि मथुरा से हमारे साथ धनी राम जुड़े थे और इन्होंने मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भव्य एक छटा जो वहाँ बिखरी हुई है उसके बारे में वर्णन दिया और एक बड़ा जनसैलाब जो कि देश दुनिया से आए हुए हैं उसमें शामिल होने के लिए उनके बारे में भी बताया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सागर थापा पुलिस लाइन से, चलिए वहाँ चलते हैं।
सागर, क्या छटा बिखरी है वहां पर, क्या तैयारियां हैं वहां की? तैयारियां बहुत ही बेहतर तरीके से हैं, क्योंकि यहां पर शाम को सीएम योगी आएंगे और तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं, पुलिस के तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो यहां पर आएंगे। यहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहां का नजारा हमें दिखाएं पहन करके। किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर स्टेज भी सजा है, लोग यहां पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तमाम पुलिस के पास बड़े आला अधिकारी भी आए थे यहाँ पे, पुलिस कमिश्नर एस जी शिवटकर भी आए थे, तमाम जो डीसीपी हैं, पीएस मोदिया थे, तमाम ऐसे लोग आए थे जो कि यहाँ का पूरी तैयारी का जायजा लिया था इन्होंने। यहाँ पर अभी तैयारियां शुरू हुई हैं, इसके बाद से आपको बता दूं कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं लगभग, और शाम को यहाँ पर फंक्शन रखा जाता है। हर साल की तरह पुलिस लाइन एक बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा जाता है हर पुलिस थानों में, ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है कुल मिलाकर। और देख सकते हैं कि दूर दूर से आपको कुर्सियां नजर आएंगी, और साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से सजावट की गई। अभी कुछ देर बाद ही मैं आपको यहाँ की खासियां दिखाऊंगा और किस तरह से यहाँ पर पुलिस के साथ ही साथ जो आम लोग हैं, आम जनमानस हैं, यहाँ पर जो मौजूद हैं और शाम को मौजूद रहेंगे यहाँ पर, और बहुत ही बेहतर तरीके से सजावट की गई है। और कुल मिलाकर आपको बता दूं कि मनीष, बहुत ही बेहतर तरीके से प्रशासन ने चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से सजाया गया है, और पुलिस साथियों के साथ ही झांकियां निकलेंगी, पुलिस के बड़े आला अधिकारी यहां पे मौजूद रहेंगे और आम जनमानस मौजूद रहेंगे, पुलिस लाइन के हर वो व्यक्ति मौजूद रहेगा। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाए तो राधे राधे। थापा कार्यक्रम में कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए हर बार की तरह देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो मक्खन का एक होता है, मक्खन होता है, तमाम जो दूध से बनी चीजें होती है वो कृष्ण जी को हमेशा से चढ़ती रही है। और अभी थोड़ी देर बाद ही आपको मैं यहाँ पे झांकियों का नजारा दिखाऊंगा और किस तरह से यहाँ पर हर साल की तरह, क्योंकि ये पौराणिक एक कथाएं बात मानू को जगह हर पुलिस थानों में, हर पुलिस लाइन में ये एक बहुत ही बेहतर तरीके से मनाया जाता है। क्योंकि आपको बता दूं सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था, तो पुलिस का भी खासा लगाव रहता है और तमाम ऐसी जगह हैं यहाँ पे, ऐसी तमाम चीजें हैं जो कृष्ण जी को अर्पित की जाती हैं। और सीएम योगी भी यहाँ पर शाम को आएंगे और यहाँ पर झांकियां देखेंगे और तमाम जो है लगभग 12 बजे तक हर पुलिस थानों में हर वो जगह पर यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा। सागर, क्या क्या कार्यक्रम होने हैं आज, क्या वो क्या शेड्यूलिंग है जो आज आपको शाम तक यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? देखिए मैंने बार की तरह आपको बता दूं कार्यक्रम यहाँ पर हमेशा तमाम रहते हैं, जो यहाँ पर पुलिस लाइन में पुलिस वालों के जो बच्चे हैं नृत्य करेंगे, कोई कृष्ण बनेगा, कोई राधा बनेगा, कोई कंस बनेगा, कोई तमाम ऐसे लोग बनेंगे जो कैरेक्टर में ढाले जाएंगे। और साथ ही आपको बता दूं मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर खासा तैयारी कर रहे हैं कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व माना जाता है पुलिस वालों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो एक भारत में जन्म लिया हो, कृष्ण कृष्ण लीलाएं और या कृष्ण कथाएं जो पढ़ी हो या सुनी हो, हर बहुत ही महत्वपूर्ण ये होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पल है हमें तालीम के लिए। और एक तो बहुत ही अच्छा एक खासियत निकलती है, जो खासियत निकलेंगी उसके बाद जो 12 अप्रैल को जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है जो आगे भी चलता रहेगा। सागर, कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है वहाँ पर? देखिए अभी बात करूँ मनीष, तो देखिए श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद तो बहुत लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुलिस लाइन बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पे लगा है और यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी जो प्राथमिक बल है, ब्यूरो ग्रेड है और तमाम जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तमाम वहाँ पे लोग आएंगे और जो पुलिस लाइन है वहाँ पर पुलिस वालों के बच्चे रहते हैं, तमाम फैलिया रहते हैं, तो मान लीजिए ये संख्या लगभग लाखों में पहुंची। क्या सागर वहाँ पे किसी भक्त से बात हो सकती है जो वहाँ पे भक्त इस समय मौजूद हैं, तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि भक्त इस समय यहाँ पर कोई भी यहाँ पर तैयारियां करने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस बल है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि भक्तों का आवागमन अब शुरू नहीं हुआ है, भक्तों का आवागमन शाम से तकरीबन शुरू होगा। यहाँ पर केवल वही लोग हैं जो टेंट हो गए, तमाम जो चीजें होंगी, कुर्सियाँ होगी, वही लोग हैं जो यहाँ पर सजावट कर रहे हैं, तो इसमें बात करना काफी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी, उनका भी साफ साफ कहना है कि सबसे पहले उन्होंने हम सबको बधाई दी, मीडिया कर्मियों को बधाई दी, पुलिस वासियों को बधाई दी, उसके बाद उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया कहा और
सबसे अच्छी बात ये रही कि पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी उन्होंने इन्विटेशन दिया हर उस व्यक्ति को भी जो यहाँ पर मौजूद हो सकता है या फिर आना चाहता है। सागर, क्या आप दिखा सकते हैं कैमरामैन के माध्यम से कि वहाँ पे क्या तैयारियां हो रही, क्या मूवमेंट दे सकते हैं आप कैमरे को? जी बिल्कुल दिखाना चाहूंगा, दीपक से कहूंगा आपके कैमरा मैन से कहूंगा दीपक एक बार दिखा कि आप किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, कुछ पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर देर पहले ही आए थे, कमिश्नर साहब भी आए थे, एसीपी भी थे और एसीपी लॉ एंड ऑर्डर, एसीपी क्राइम समेत तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पर पुलिस की तैयारियां चल रही हैं, पुलिस के कुछ आला अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही अच्छी बात ये लगती है कि जन्माष्टमी का पर्व ऐसा पर्व है कि हर पुलिसकर्मी के दिल में एक उत्साह रहता है, एक हर एक पुलिसकर्मी से मनाना चाहता है उत्साह रहता है। यहाँ देख सकते हैं डीसीपी नॉर्थ शासन आफिस साहब भी बैठे हैं और डीसीपी तमाम जो है बड़े आला अधिकारी एनसीएस से लेकर चीफ तक बैठे हैं, यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं आप देख सकते हैं कि इस तरह से मंच पर तैयारियां कर रही हैं क्योंकि इनको काम को अपना नृत्य दिखाना है। कोशिश करनी ये है कि किस तरह से ये टीम बहुत अच्छी बेहतर बन पाए, मैं कोशिश ये करूंगा मनीष की बच्चियों से बात कर पाऊँ और कोशिश ये रहेगी। सबसे अच्छी बात ये है कि देखिए यहाँ पर एक पुलिस के बड़े आला अधिकारी के साथ साथ ही तमाम व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ पर सोफे लगा दिए गए हैं क्योंकि शाम को यहाँ पर योगी का आगमन होगा। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तमाम ऐसी चीजें हैं जो हर पुलिस लाइन हर राज्य के हर जिले की पुलिस लाइनों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह से और मैं मंच पे जाने की कोशिश करूंगा कि मंच पे कुछ लोग हैं यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं वही बात करने की कोशिश करूंगा मनीष। और देख सकते हैं कि बेटा एक मिनट आइएगा। अच्छा ये बताइए किस तरह से तैयारियां हो रही है आपकी? सॉरी सॉरी बंद कर दो एक बार थोड़ा सा करके दिखा दीजिए। बेटा क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर दिखिएगा, थोड़ा सा साउंड हो जाएगी, साउंड हो जाएगी। अच्छा हाँ ये देखिए मनीष, आपको दिखाऊंगा कि ये जो बच्चियां हैं किस तरह से यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें क्योंकि शाम को इनको पीएम योगी के सामने और तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं उनके सामने प्रेजेंटेशन देनी है और हर बार की तरह इस बार कुछ नया हुआ है कि जो गानों में बदलाव किया गया है। मैं मौजूद हूँ पुलिस लाइन में और बहुत ही बेहतर तरीके से बच्चियाँ जो हैं कोशिश ये कर रही हैं कि इनका जो नृत्य है इसका जो कलाकारी है बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। और बात करूंगा इनसे भी थोड़ा सा अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आइए। दीपक ये बताइए बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती दिवाकर है। अच्छा किस गाने को परफॉर्म कर रहे हैं? हम रासलीला और होली पूरा मिक्स का सॉन्ग है पे डांस कर रहे हैं और महाभारत का द्रौपदी की हरण था प्ले। आप मेन रहती हैं? अच्छा कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस है कि लगातार आप करती हैं? मैं हमेशा करती हूं, 3-4 साल से वहां पे करती हूं। कैसा लग रहा है इस बार सीएम साहब भी आ रहे हैं क्योंकि पहले भी कई बार आते रहे हैं, तो कैसा लग रहा है इस बार? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी कोशिश यही है कि उनके सामने हमारा बेस्ट से बेस्ट। चलिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे कहूँगा कि ऑल द बेस्ट। तो मनीष देख सकते हैं कि हमने बच्चियों से भी की यहाँ पे एक और हैं, दो लोग हैं और हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पिता पाठक है। अर्पिता जी ये बताइए आप किस गाने पर परफॉर्म कर रही हूँ, कैसा लग रहा है? मैं एक्चुअली मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस है और मैं राधा बिना कृष्णा आभाव पे, मतलब ये थोड़ा अलग सॉन्ग है, हर बार से हटकर थोड़ा लिया गया है जिससे हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी हाईलाइट हो और एज लाइफ का हम लोग हम लोग का प्रोग्राम पहले ही हो रहा है तो इसकी एक्साइटमेंट ज्यादा है।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि मनीष साहब ने यहाँ देखा कि हमने बच्चों से भी बात करी, मंच भी अच्छे से रहे। सागर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना पुलिस लाइन का पूरा भव्य जो भी प्रारूप स्वरूप उसका था वो दिखाया और पब्लिक से बात भी करी, वहाँ पे जो रिहर्सल चल रही थी उनसे भी आपने बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा आपने देखा कि पुलिस लाइन से हमारे साथ हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़े हुए थे, सागर थापा ने वहाँ पे मौजूदा होकर वहाँ के भव्यता को दिखाया, वहाँ के पंडाल को दिखाया, कि वहाँ की खूबसूरती को दिखाया कि किस तरह से वहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं, किस तरह से वहाँ रिहर्सल हो रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं हमारे लखनऊ, गाज़ियाबाद, मथुरा, लखीमपुर और प्रयागराज से जो भी तैयारियाँ हो रही हैं वो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इस समय एक बहुत बड़ा जन सैलाब इस समय मथुरा में मौजूद है और कृष्ण जी की भक्ति में बिल्कुल सराबोर है। शाम को एक भव्य प्रारूप आपको देखने को मिलेगा, एक भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा जिसमें भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ डुबकी लगाएंगे। हमारे साथ इसी के साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं धनी राम खंडेलवाल। धनी राम, क्या माहौल है वहां का, कितनी खूबसूरती है वहां की, हमारे दर्शकों को दिखाइए। हर कोई किस्म की भक्ति में मरने आज रात से ही यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के पूरे उत्साह दिखाई दे रहा है और रात 12 बजे तक यहाँ लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और अपने आप को भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव में अपने आप को सौभाग्य वाली मान रहे हैं। वही मेरे साथ में और जो श्रद्धालु है आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये भी श्रद्धालु है जो आए हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या आप कहाँ से आए हैं और क्या रहेगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है। जी आप पवन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। जैसा कि आप फिर किस जनस्थान आए हैं और फिर यहाँ कृष्ण में शामिल होंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर के? बिल्कुल, हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं और सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव यहाँ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हम इस जन्म उत्सव में शामिल होने आए हैं, तो इससे बड़ी और क्या धन्य की बात होगी। और भगवान जो श्री कृष्ण की नगरी है वो पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दी गई है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से जो जन्माष्टमी है वो बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाती है। और भी साथी है मेरे साथ में, आइए इनसे भी जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और जो कृष्ण जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे। जी क्या नाम है सर आपका? जी जी मेरा पुष्पेंद्र नाम है मेरा। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं हरिद्वार से आया हूँ। जिस तरीका से पूरे देश में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है और एक जन्माष्टमी मथुरा में अलग ही धूप मनाई जाती है और आप यहाँ आए, क्या कहेंगे इसको लेकर के? नहीं देखो, हर जगह जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो कुछ और भी रूप से मनाई जाती है। मथुरा का जो भव्य नजारा, जो जन्माष्टमी का नजारा होता है मनाने का, वो कुछ अद्भुत ही होता है। इसी अद्भुत नजारे को देखने के लिए मथुरा में आए हैं और देख रहे हैं आप हर जगह जो मथुरा है जो फिल्म की तरह सजाया गया है और देखो हर कितने श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और वहाँ जगह भी नहीं, वहाँ पे व्यवस्था प्रशासनिक स्तर से व्यवस्था अच्छी की गई है। देखा जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु का यहाँ आपसे ही बहुत मेला लगा हुआ है और आपको बता दूं कि सीएम योगी जी भी आज आ रहे हैं और साधु संतों का भी आना शुरू हो गया है। आपको मैं बता दूं कि इस रास्ते से यहाँ सीएम योगी जी आएंगे और एक साधु महाराज भी आए हैं हमारे साथ में। जी महाराज जी क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप महाराज? अच्छा आप एक जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आएंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर के? कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। योगी जी के द्वारा यहाँ ये तरीके से ये आयोजन किया गया है कि पूरे मथुरा को सजाया गया है, कैसा लग रहा है नजारा? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे और? बढ़िया लगा, वहाँ गया व्यवस्था बढ़िया थी, ये बताएंगे जाकर। मैं आपको बता दूँ कि सीएम योगी जी भी आज यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं और पूरे चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में पुलिस प्रशासन मुख्य जी से है। शाम 4 बजे योगी जी मथुरा में आएंगे और इस रास्ते से वो होते उनके लिए पूरा रास्ता साफ सुथरा बनाया गया है और वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जाएंगे। वहाँ 8 घंटे के लगभग वो भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। परंतु कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु आए हैं उनमें अब के लेकर के बहुत सारा उत्साह है क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की मार वो झेल रहे थे और अब ये पर्व इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कि यहाँ का नजारा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। हर कोई कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल लीन है और चारों तरफ वातावरण जो है वो कुछ अलग ही नजारा दिख रहा है। मैं प्राइम टीवी से धनीराम खंडेलवाल मथुरा।
धनीराम जी सर, थोड़ा सा श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या आसपास के आप थोड़ा सा वातावरण दिखा सकते हैं कि वहाँ पे कितने श्रद्धालुओं की संख्या, और कुछ श्रद्धालुओं से मैं चाहता हूँ आप और बात करें कि वो किस तरह से कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाइन सुबह से 4 बजे से ही चल रही है और पूरी रात चली है बहुत, और यहाँ चारों तरफ जो वातावरण है वो बिल्कुल भक्ति में है। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी है कि यहाँ के रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस जितने भी हैं वो बिल्कुल पूरे हाउस फुल है, कहीं को किसी नहीं। और रात की अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की ये लोग बाग रात में भी यहाँ सड़कों पर ही नजर आए थे, और इसी तरीका से आज यहाँ इस तरीके को सजाया गया है कि श्रद्धालु जो बाहर से आए हैं उनके लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि श्रद्धालु अभी दोपहर एकदम गर्मी सी हो गई है, लेकिन सुबह इतनी वो थी कि यहाँ श्रद्धालु की लाइन नहीं टूट रही थी और लगातार श्रद्धालु दर्शनों के लिए करके अपने आप को धन्य मान रहे थे। मैं आपको दिखा दूं कि श्रद्धालुओं के लिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट पर श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ सेल्फी का आनंद उठा रहे हैं, और दूसरे इधर सामने मेरे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जो कि यहाँ रात होते हैं सब लोग बड़े ही उत्साह में दिखाई देंगे। रात का नजारा यहाँ जो होता है वो कुछ अलग ही होता है, क्यों कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए जो भक्त दूर दूर से आते हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। जी धनीराम, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे रेड कार्पेट लगी हुई है और एक भव्य कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की पूरी तैयारियां वहां पे दिख रही हैं। चलिए धनीराम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको पुलिस लाइन और मथुरा से हमारे संवाददाताओं ने तस्वीर दिखाई कि किस तरह से कृष्ण जन्मोत्सव को मनाने के लिए लोगों में एक बड़ा उत्साह है। फिलहाल अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार।